फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तीन तरह के फ्लेवर के दूध पोहा की रेसिपी। ये खास करके शरद पूर्णिमा के दिन खाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद की जो तेज है उसमें ये थोड़ी देर रख के खाने से हमें अच्छी एनर्जी मिलती है और हमारे दिमाग भी तेज होता है। तो आइए देखते हैं ये तीन फ्लेवर के दूध पोहा कैसे बनाए जाते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने लिया है फुल फैट दूध, जो दो पैकेट लिया है मैंने, मतलब एक लीटर दूध लिया है। तो इसको मैंने एक बर्तन में ले लिया है और अब मैं गैस ऑन करूंगी मीडियम आंच पे। ये दूध जो है इसको हमें गर्म करना है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल गर्म हो गया है। तो इस तरह से हमें गरम ये ऐसा करना है कि हम इसमें उंगली डुबा सके। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने 9 छोटी चम्मच चीनी ली है और आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी ऐड कर सकते हो। और चीनी डालने के बाद हम इसको इस तरह से पिघलने के लिए चलाते रहेंगे चम्मच को, थोड़ी देर के लिए चलाते हुए, और बाद में गैस बंद कर देना है। तो इस तरह से हमें चलाना है। तो अब ये चीनी जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैंने ये एक बड़े कटोरे जितना ये पोहे लिए हैं और इसको हम दो बार वॉश कर लेंगे। ये देखिए, सारी मिट्टी और जो इस तरह से मैलापन है वो निकल जाएगा। और इस तरह से हमें ये पानी साइड पर कर देना है। अब हम दोबारा धो लेंगे, वापिस एक बार दोबारा जो है ये पानी निकाल लेंगे। आप देख सकते हो ये जो मिट्टी है वो सारी निकल गई है। तो सबसे पहले जो हम रेडी करेंगे वो, इसके लिए हम दूध ले लेंगे। 2 से 3 चम्मच हमें दूध ले लेना है। दूध डालने के बाद हम इसमें पोहे डाल देंगे। ये जो भिगा कर धोए हुए हमने पोहे रेडी किए हैं वो डाल देंगे। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, अब हम इसको सर्विंग बाउल में ले लेंगे। तो ये देखिए, टूटी फ्रूटी का दूध पोहा रेडी है। इस तरह से हम टूटी फ्रूटी से फिर से एक बार गार्निश करके सर्व करेंगे। तो फिर से एक बार हम 2 चम्मच जितना दूध लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पतंजलि का केसर लिया है। इसमें हम थोड़े से ये थ्रेड्स जो है केसर के वो ऐड कर देंगे। दूध ऑलरेडी थोड़ा सा मामूली गर्म है तो इसमें ये केसर अच्छी तरह से मेल्ट होके इसका कलर आ जाएगा। अब हम ये केसर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से मिक्स करके रेडी कर देना है। तो ये देखिए, ये केसर जो है ये मैंने इस तरह से मिक्स करके ये दूध केसर वाला कर दिया है। अब हम इसमें पोहे डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पोहे मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं। आप अपने मर्जी के अनुसार ले सकते हो। तो ये देखिए, केसर दूध पोहा रेडी है। अब हम इसमें वापिस एक बार 2 से 3 चम्मच दूध देंगे। 2 चम्मच दूध लिया है और इसमें मैं चॉकलेट का फ्लेवर बनाने के लिए ये बॉर्नविटा यूज किया है। बॉर्नविटा तो हर एक के घर में होता है, तो ये बॉर्नविटा यूज किया है। कोको पाउडर सबके घर नहीं होता, तो बॉर्नविटा जो है वो लेकर हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो है हम बॉर्नविटा मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने ऑलरेडी डाली हुई है तो इसको हम मिक्स करके रेडी कर देंगे। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें पोहे डालेंगे। तो ये देखिए, ये चॉकलेट दूध पोहा रेडी है। इसको हम अब सर्विंग बाउल में ले लेंगे। तो ये चॉकलेट दूध पोहा जो है इसको मैं सर्विंग बाउल में ले लेती हूँ। एक बात खास ध्यान रखना कि जो पोहे आप यूज करते हो धोने के लिए, उसको पहले एक बार छान सीव करके, मतलब इसको हमें साफ कर लेना होगा।
तो ये देखिए तीन फ्लेवर के दूध पोहा मैंने रेडी किए हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर दूध पोहा, एक टूटी फ्रूटी दूध पोहा और एक केसर दूध पोहा। आप ये शरद पूर्णिमा के दिन खाकर इसको एंजॉय कर सकते हो। और जब भी आप ये रेडी करते हो तो खास ध्यान रखना कि इसको हमें जो है चंद्रमा की पास रखना है, मतलब बाहर गैलरी में रखना है, ताकि चंद्रमा का जो तेज है ये इसके ऊपर गिरे। और थोड़ी देर बाद इसको हमें लेना है शरद पूर्णिमा के दिन रात को। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी वो शेयर जरूर करना, अपने कमेंट को शेयर करना, और ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।